कोई फर्क नहीं है। जो वादे 2017 में किए गए थे जनता से, वो वादे हमने पूरे किए। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग कितने उत्साहित हैं, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, समाज का हर तबका यहाँ पर बीजेपी के झंडे को बुलंद करते हुए दिखाई पड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ का ये मेगा रोड शो, जिसकी तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है और बीजेपी के साथ झंडे को बुलंद करते हुए लहराते हुए नजर आ रही है। अश्विन, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अलग तस्वीरें हैं, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, हर आयु वर्ग के लोग नजर आ रहे हैं और बीजेपी का जो झंडा है उन्होंने हाथ में थाम रखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस चुनावी रथ पर सवार हैं, उनके साथ में मोहसिन रजा हैं और इसके अलावा बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता एक के बाद एक जमीन पर चौथे चरण में अपने पक्ष में समर्थन मांगने के लिए लगातार जुटे हुए हैं। तो लखनऊ में सीएम योगी का ये रोड शो लगातार जारी है और सरोजनी नगर में इस वक्त पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लोगों में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है और ये उत्साह इसी संख्या से जो है वो समझा जा सकता है। तो चौथे चरण के लिए लगातार जो प्रसार जारी है, लगातार इन तस्वीरों को दिखाते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। जीत की अपील लोगों के बीच कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के आधार पर जनता के बीच है और एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा उन्होंने किया है। तो लगातार चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, उनके स्टार प्रचारकों का लखनऊ में जमावड़ा जो है वो दिखाई पड़ रहा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो, इस रोड शो के जरिए कहीं ना कहीं से हुंकार ही कहा जा सकता है चौथे चरण के लिए। शुभम, बिल्कुल चौथे चरण की हुंकार यहाँ पर भरी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और ना सिर्फ सीएम योगी, नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी चौथे चरण का मतदान होना है, लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। आज हरदोई में जब जनसभा हुई, वहां पर भी भारी भीड़ उमड़ी है पीएम मोदी की रैली में और सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें गवाह हैं। आप देख सकते हैं कैसे सड़कों पर भारी भीड़ नजर आ रही है, चारों तरफ जन सैलाब, जन समुद्र उमड़ा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी 300 से ज़्यादा सीटें लाकर सरकार बनाने जा रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में आप देखिए मोहसिन रजा नजर आ रहे हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, राजेश्वर सिंह प्रत्याशी हैं वो नजर आ रहे हैं और बीजेपी के ध्वज के रंग में रंगे हुए गुब्बारों का ये समूह एक अलग ही प्रकृति यहाँ पर उकेर रहा है। आशिमा, लखनऊ की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रोड शो की ये तस्वीरें हैं। सरोजनगर में बीजेपी प्रत्याशी राजवेश्वर सिंह और कैंट में ब्रजेश पाठक के समर्थन में वोट उनकी तरफ से करने की अपील इस रोड शो के जरिए। तो रविवार का दिन आज कहीं ना कहीं बेहद अपने आप में खास रहा, जहां एक तरफ तीसरे चरण को लेकर मतदान हुआ, पूरे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ और अब सबका फोकस चौथे चरण पर है, क्योंकि जो 23 फरवरी को होने जा रहा है, 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए मतदान होगा। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर चौथे चरण में चुनाव है और इसीलिए लगातार जो दिग्गज हैं वो लखनऊ पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो, जिसमें अपार जन सैलाब इसको कहा जा सकता है, रोड शो की सीधी तस्वीरें, बेहद उत्साहवर्धक नजारा और आप देख सकते हैं न सिर्फ भीड़ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है बल्कि लोग हुंकार भरते हुए अपने उत्साह को जता रहे हैं। तो चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार, विक्ट्री का निशान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, सबका साथ सबका विकास की बात भी उन्होंने की और इसी के आधार पर 80 सीटें बीजेपी जीत रही है, ये दावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस में बंटवारा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना भी उन्होंने साधा और साथ ही कहा कि 80% सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में आती नजर आ रही है और सबका साथ सबका विकास लोगों को पसंद आया है, जो हमने किया है वो लोगों के बीच है। तो हमारी कथनी और करनी